शाहजहांपुर में मंगल को अमंगल, दो टेम्पो पर ट्रक पलटने से 17 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, शाहजहांपुर के डीएम कोखालो को हर मुमकिन इलाज कराने के निर्देश दिए। रायबरेली में राणा बेनी माधव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, ये देश किसी एक परिवार ने आजाद नहीं कराया, देश को बांटने वाले 370 हटाने का कर रहे हैं विरोध। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश वीरों की धरती है, 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में राणा बेनी माधव का बड़ा योगदान था। रायबरेली पहुंचे सीएम योगी, आदित्यनाथ का समिति के सदस्य और विधायकों ने स्वागत किया। रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिवंगत अखिलेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की, रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रही रेल कर्मियों से रेल कोच फैक्ट्री जाकर मिली। दिवंगत अरुण जेटली को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर जताया शोक। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, अमित शाह ने अरुण जेटली के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतिम संस्कार में शामिल हुए दो सांसदों के फोन चोरी हो गए, नॉर्थ दिल्ली की पुलिस के मुताबिक इस मामले में एफआईआर दर्ज कर फोन को ट्रैकिंग पर लगा दिया गया है। आरएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने पी चिदम्बरम की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है, पी चिदम्बरम अब 30 अगस्त तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है, इसके बाद 2 दिन तक लोगों के पास प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने या सुझाव देने का वक्त रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस का पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हल्ला बोल, देहरादून में धरना देकर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के धरने को दिखावा करार दिया, सीएम ने कहा जनसंख्या नियंत्रण आज देश की जरूरत है। उत्तराखंड और देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया, मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अस्पताल प्रशासन की माने तो एक दिन में करीब 3000 तक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने इस्तीफे पर सफाई देते हुए कहा, उनसे किसी ने इस्तीफा देने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पार्टी की नीतियों के चलते इस्तीफा दिया। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, पीएम मोदी ने फ्रांस के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत दौरान साफ शब्दों में कहा, कश्मीर मसला द्विपक्षीय है और किसी और को इस मसले पर कष्ट करने की जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मध्यस्थता पर यूटर्न लिया, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान से बातचीत कर भारत अच्छा हल निकाल लेगा, ट्रंप ने कहा कश्मीर पर मोदी को भरोसा है, हालात उनके काबू में है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक टीम जम्मू कश्मीर जाएगी, अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मंत्रालय के अधिकारियों की टीम 2 दिन के दौरे पर रहेगी। जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कश्मीर पर झूठी खबरें शेयर करने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को ट्विटर ने नोटिस भेजा है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने हिंसा का एक वीडियो ट्वीट कर कहा था कश्मीरी भारत के खिलाफ है और दुनिया को ये बात बतानी चाहिए। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया, खबर है आईएसआई ने भारत में बड़े हमले की साजिश रची, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने भारत में हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ असगर को सौंपी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने 2 लोगों को किडनैप कर लिया, किडनैप किए लोगों में से एक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका शव जंगल से बरामद हुआ है, दूसरे का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया, त्राल में एक आतंकी पकड़ा गया है। विंग कमांडर अभिनंदन दोबारा से मिग 21 को उड़ाएंगे, पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के मौके पर अभिनंदन मिग 21 में उड़ान भरेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के वस्त्रों को साल में 4 बार बदले जाने की मांग का संत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया, ये मांग राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रघुगोपाल दास ने की थी। उड़ीसा के डांसिंग टीचर का वीडियो जमकर वायरल हुआ, वीडियो में टीचर बच्चों को डांस करते हुए पढ़ाते दिख रहे हैं। आगरा में मजार के चढ़ावे को लेकर विवाद में जमकर पथराव हुआ और भगदड़ मच गई, मामला शाहगंज थाने के कमाल खाका है। आगरा में कांस्टेबल की चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें सिपाही की ओर से थाना प्रभारी से 3 सवाल पूछे गए कि वो अपनी पत्नी का इलाज कराए या नौकरी छोड़ दे या फिर खुदकुशी कर ले। बरेल में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर कोतवाली थाना इलाके में तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। बरेली के बायड़ी तहसील में केसर शुगर फैक्ट्री में पाइपलाइन गिरने की वजह से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई।
आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, ताजगंज के होटल के बाहर से गाड़ी चोरी, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा से परिवार ताजमहल घूमने आया था आगरा। बरेली के फरीदपुर में कॉपरेटिव समिति के सचिव की हत्या कर दी गई, सचिव का शव आम के बाग में पेड़ से लटका मिला। बागपत के अग्रवाल मंडी टीटरी कस्बे की प्राइमरी पाठशाला नंबर एक में 6 बच्चे और एक महिला शिक्षक अचानक बेहोश हो गए। आगरा में निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर इंस्पेक्टर से बदसलूकी करने के आरोप लगे, बता दें कि इंस्पेक्टर ढाबे को बंद करवाने पहुंचा था। आगरा के हरिपर्वत थाना इलाके में चलती बाइक में आग लग गई, बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अमरोहा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने प्राइमरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान शिक्षा अवस्था में लापरवाही पाए जाने पर बीएसए ने 3 प्रधान अध्यापकों को निलंबित कर दिया। काशीपुर की रेलवे कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस से खुलासा किया, पुलिस ने चोरी के आरोप में मुख्य अभियुक्त समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से चोरी के सामान बरामद। अमरोहा के थाना सैदनागरी इलाके में एक्सटेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, पुलिस ने बिजली विभाग की लापरवाही के मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है, पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गोरखपुर में फर्जी असला लाइसेंस के मामले में मास्टरमाइंड गोपी उर्फ शमशेर और उसके सहयोगी विकास तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के राजघाट इलाके में पुलिस वालों की सतर्कता और तेजी की वजह से एक बड़ी अगजनी की घटना होते होते बच गई। जौनपुर पुलिस ने एटीएम हैकर को गिरफ्तार किया, आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शाहजहांपुर में वाहन चेकिंग के नाम पर सिपाही ने एक बाइक सवार के मुंह पर डंडा मार दिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्नाव में खेतों से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। महोबा में आवारा जानवरों को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में बिजली के तारों में उलझकर एक निजी जेट क्रैश हो गया, निजी जेट में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित। महराजगंज के फरेंदा थाना इलाके के जयपुरिया इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में टकरा गए, पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिजनौर में करंट लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महुआ में एक युवक पर 3 साल के मासूम के साथ रेप का आरोप लगा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं, नदियों पर बने पुल भी बुरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। फरुखाबाद में बाइक सवार बाबा खेत में काम कर रही बच्चियों को अपने पास बुला रहा था, बच्चियों के शोर मचाने पर बाबा मौके से फरार। बागपत पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कैंटर पकड़ा है, जिसमें छिपाकर शराब की 7 पेटियां लाई जा रही थी। बिजनौर में ससुराल वालों पर विवाहिता को जहर खिलाने का आरोप लगा, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, नगीना थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद रेलवे पुलिस ने शराब तस्करी का खुलासा किया, ये तस्करी दिल्ली के और एनसीआर के बीच चलने वाली एमी ट्रेन में से हो रही थी। काशीपुर की रोडवेज वर्कशॉप में खड़ी 3 बसों में देर रात संदिग्ध हालत में अचानक आग लग गई, 7 में 3 बसें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। चित्रकूट में सरकारी योजनाओं में हो रही गड़बड़ी की सूचना के बाद डीएम ने श्रम विभाग के औचक निरीक्षण किया, डीएम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजकुमार को सख्त चेतावनी दी, डीएम ने कहा दलालों के माध्यम से पैसे वसूलने पर जेल जाना पड़ेगा। झांसी में दहेज के लिए शादी टूटने के बाद लड़की ने आत्महत्या की, शादी से पहले लड़के ने दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की। आगरा में बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों में लाठी से चले झगड़े की तस्वीरें कैमरे में कैद। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पिट रहे युवक पर बस में यात्रा के दौरान एक छात्रा को छेड़ने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर थाने लेकर गई। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के ठिकानों पर छापा मारा, पुलिस की छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में सीओ कार्यालय के छत पर प्लास्टर पंखे समेत नीचे गिर गया, हादसे के वक्त सीओ महेंद्र पाल शर्मा कार्यालय में अपना काम निपटा रहे थे, गनीमत रही हादसे में सीओ बाल बाल बच गए। चित्रकूट रैपर रेंज में काम करने वाले वनकर्मी ने अपने विभाग के एससीओ पर मारपीट करने का आरोप लगाया, इसी मामले में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। मसूरी में झील के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। खटीमा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से 20 ग्राम स्मैक और भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बिजली विभाग के सरकारी कार्यशाला में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, ये करप्शन जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के नाम पर हो रहा था।
मुजफ्फरनगर के खादरवाला मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। आरोप है कि युवक को कुछ घरों में ताक झांक कर रहा था, भीड़ ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सर्वे की टीम पर अच्छी रैंकिंग दिलाने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा, जीआरपी ने दोनों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर के सदर अस्पताल में एक महिला ने जन्म देने के बाद बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर महिला को ढूंढने लगी। नवजात बच्चा पिछले 5 दिनों से अस्पताल में नर्स की देखरेख में है। ललितपुर में पुलिस टीम ने अंतरजातीय चोर गिरोह के 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 4 बाइक्स बरामद। पिथौरागढ़ में आशा वर्करों ने मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वर्करों का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मानदेय 17,000 करने का वादा किया था। चित्रकूट में जल संस्थान कर्मियों ने 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन किया। जल संस्थान कर्मियों ने 5 में वेतन नहीं मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। उत्तराखंड के श्रीनगर से मनरेगा योजना में हुए घोटाले का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार का मामला देवप्रयाग विकासखंड के क्वीली गांव का है, जहां मनरेगा मजदूरी में ग्राम प्रधान ने जमकर धांधली की। उत्तराखंड में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर बैठक की। बलरामपुर में नोडल अधिकारी नवदीप रिनवा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी निजी विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ अम्ब्रेला एक्ट के संबंध में बैठक की। निजी विश्वविद्यालय नहीं चाहते हैं कि अम्ब्रेला एक्ट के जरिए सरकार शुल्क तय करे। जौनपुर में डीएम और एसपी ने आरटीओ ऑफिस पर छापा मारा। डीएम की छापेमारी में आरटीओ ऑफिस से 21 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान आरटीओ ऑफिस के बाहर दुकानों की भी सघन तलाशी ली गई। गाजीपुर में राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। गाजीपुर में आर्मी कैंटीन बंद होने से सैनिकों के परिजन परेशान। आर्मी कैंटीन के बाहर 1 सितंबर तक कैंटीन बंद रहने की सूचना चस्पा। देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए आरबीआई का टॉनिक। सरकार को 1,76,000 करोड़ ट्रांसफर की मंजूरी। कांग्रेस ने कहा संकट में है इकोनॉमी। पीएम मोदी 29 अगस्त को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस में यात्रियों को सफर में देरी होने पर मुआवजा मिलेगा। तेजस के सफर में 1 घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। एयर इंडिया पर 3 सरकारी तेल कंपनियों के 4,500 करोड़ रुपए बकाया। जानकारी है कि 7 महीने से भुगतान नहीं किए जाने पर 6 एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्यूल सप्लाई रोक दी गई, जिसकी वजह से कई शहरों में एयर इंडिया की कई उड़ानों में देरी हुई। उबर ने देशभर में 24 घंटे की सेफ्टी हेल्पलाइन की शुरुआत की है। सर्विस के दौरान राइडर्स अपने सफर के दौरान होने वाली किसी भी दिक्कत के लिए तुरंत ही उबर की सेफ्टी टीम से बात कर सकेंगे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलने का अनुरोध किया। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने की अपील। देश लौटी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु। दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, कहा मेडल लेते वक्त राजकांत सुनकर भावुक हो गई। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने पीएम आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर सिंधु की पीएम ने बधाई दी। इस दौरान खेल मंत्री किरण रिजिजू और सिंधु कोच गोपीचंद भी मौजूद रहे। पूरी फेम एक्टर विक्की कौशल ने माधुरी दीक्षित के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। विक्की कौशल ने बताया कि उनका माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का सपना बहुत पुराना है। लाइफ में विक्की कौशल सिर्फ एक बार माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म करना चाहते हैं। ऋतिक रोशन के साथ फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक में नजर आ सकती हैं अनुष्का शर्मा। फिल्म में अमिताभ बच्चन के रोल के लिए ऋतिक रोशन फाइनल हो चुके हैं और हेमा मालिनी के किरदार के लिए अब प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म इंशाल्लाह फिलहाल बंद कर दी गई है। फिल्म बंद होने की वजह संजय लीला भंसाली और सलमान के बीच मतभेद बताए गए, हालांकि सलमान ने इससे इनकार किया। लैक्मे फैशन वीक 2019 में करीना ने लगाया 4 चांद। ब्लैक रंग में ड्रेस में करीना ने किया रैंप वॉक। रैंप पर वॉक करते समय करीना कपूर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। करीना कपूर के लुक सभी ने पसंद किया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी दुश्मन दीपिका पादुकोण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। दीपिका के पति रणवीर सिंह को कंगना ने बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश एक्टर कहा। दोनों के बीच लंबे वक्त से तानातानी थी।
फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर 2019 की लिस्ट में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा बाहर हो गई हैं। इस साल फिर से सूची में हॉलीवुड स्टार स्कारलेट जॉनसन ने शीर्ष स्थान हासिल किया। उसने 2018 में भी पहला स्थान हासिल किया था। पीएम नरेंद्र मोदी के एंटी सिंगल यूज प्लास्टिक कैंपेन में उनका साथ देने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आ गए हैं। अब इस मुद्दे पर सुपरस्टार आमिर खान ने पीएम मोदी के समर्थन में ट्वीट किया जो वायरल हो रहा है। पीएम ने 2 अक्टूबर को इस अभियान को शुरू करने का आह्वान किया था। इंशाल्लाह के बाद बंद होने के बाद सलमान खान ने अपने फैन से कहा कि वो ईद पर उनसे जरूर मिलेंगे। उन्होंने किक के मशहूर डायलॉग के जरिए यह हिंट दी कि किक 2 अगले साल ईद पर रिलीज होगी।